26 जनवरी की परेड से पहले पूर्वी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। गाजीपुर में बम मिलने के बाद पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। मार्केट में पुलिस की गश्त, बॉर्डर को कर दिया गया सील। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर को हुआ कोरोना। गौतम गंभीर ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने का किया अनुरोध। पूर्वी दिल्ली सफाई कर्मचारियों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन। सफाई कर्मचारी कर रहे हंगामा। कर्मचारियों ने शाहदरा साउथ जोन का किया घेराव। स्वामी दयानंद अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही दवाइयां। बजट की किल्लत झेल रहा अस्पताल। अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक हुआ खत्म। मरीजों को बाहर से लेनी पड़ रही महंगी दवाइयां। ट्रैफिक पुलिस ने दूर तक पीछा करके 2 बदमाशों को पकड़ा। बदमाशों के पास से बैटरी और मोबाइल हुआ बरामद। नशे की लत को पूरा करने के लिए देते थे वारदात को अंजाम। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पिछले हफ्ते गाजीपुर में बम मिलने के बाद इस बार गणतंत्र दिवस से पहले पूर्वी दिल्ली की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड से ठीक पहले पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने सभी जगह पर चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस सोमवार की देर रात तक मार्केट एसोसिएशन RWA और साथ ही लोगों के साथ मीटिंग करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि मंगलवार को सभी मार्केट में पुलिस ने गश्त लगाकर जांच की और कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु ना मिले। इसके अलावा बैरिकेड्स भी लगाकर भी वाहनों की जांच की जा रही है। 25 जनवरी की रात से ही पूर्वी दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले तमाम बॉर्डर्स को भी सील किया जा रहा है। हर वाहन को पूरी तरह से जांच की जा रही है और बाद में दिल्ली में आने दिया जा रहा। खासतौर पर गाजीपुर में पुलिस की चौकसी बहुत कड़ी नजर आ रही है। पुलिस लोगों को आगाह कर रही है कि अगर कोई भी वस्तु संदिग्ध नजर आती है तो फौरन पुलिस को सूचित किया जाए। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए खुद के कोरोना से पीड़ित होने की जानकारी साझा की है। इसके साथ ही अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट कराने की भी अपील की है। उन्होंने बताया कि कोरोना के हल्के लक्षण मिले थे। इसके बाद उन्होंने अपनी जांच कराई थी और उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दरअसल इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसके बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पीड़ित हुए थे। इत्तेफाक की बात तो यह है कि यमुना पार के दोनों सांसद यानी कि पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी दोनों ही इस बार कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। इसी साल 2 जनवरी को मनोज तिवारी ने खुद को ट्विटर पर कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी थी। गौतम गंभीर ने भी लोगों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सही से पालन करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और सीमापुरी इलाके से विधायक और केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी पिछले दिनों हैं कोरोना पॉजिटिव आए थे और साथ ही केजरीवाल सरकार के सभी मंत्री कोरोना का शिकार बन चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारी वेतन नहीं मिलने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिला। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट भी हो चुकी है लेकिन उनकी पेंशन अब तक नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने शाहदरा साउथ जोन का घेराव किया, किसी भी अधिकारी को अंदर एंट्री नहीं होने दी और कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमें सैलरी नहीं दी जाएगी तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिलता है लेकिन सैलरी का कुछ अता पता नहीं रहता है। कि आज जो हमारा मुद्दा है सैलरी को लेकर है, दूसरा महीना लग गया पर हमारी सैलरी नहीं है, हमारी ये भी सैलरी नहीं है, ताकि और जो हमारे भाई है उनकी भी सैलरी, उनके 5-5 महीने से सैलरी नहीं आई है, तो सैलरी को लेकर आज हमने ये प्रदर्शन करा कि ताकि इन निगमों की आंखें खुले, कान खुले, ताकि हमारी सैलरी जल्द से जल्द दी जाए। हम किसके पास रोने जाएं, कर्मचारी किसके पास रोए, अधिकारी से गुहार लगाएगा? हम अधिकार से गुहार लगाते हैं, वो कहता पैसा नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ महापौर जी को, ये नाटकबाजी बंद करेंगे, पैसा नहीं पैसा नहीं। अभी हमारे डिपार्टमेंट जितने MCD का डिपार्टमेंट है सबकी 3-3, 4-4 महीने की सैलरी होगी। कर्मचारी हमारा परेशान हो जाता है तो वो रोडों पर आता है, तो हमारे पास सैलरी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है,
किसी के पास जो किराया नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारे दो दो तीन तीन महीने हो गए जो हमारे को सैलरी नहीं दी गई। ये हमारे बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े मतलब बहुत जो कर रहे काम कर रहे हैं, डंपर मंगा रहे हैं, गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है? इनका भी तो पैसा है, ये भी मतलब ये कहाँ है? जो हमारा पैसा वो अपने नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमारे को सैलरी दो, वेतन दो, वेतन दो। पूर्वी दिल्ली नगर निगम इन दिनों बुरी तरह के बजट की किल्लत से जूझ रहा है। इसकी वजह नगर निगम के अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों के साथ साथ अन्य विभागों के स्टाफ को सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा बजट के अभाव में भी पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को दवाइयों के बगैर ही अस्पताल से लौटना पड़ रहा है। हालात तो ये बन गए हैं कि किसी मरीज के पर्चे में 5 दवाइयां लिखी होती हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही दवाई या 2 दवाइयां ही मिल पाती हैं, और साथ ही डायबिटीज के दवाइयों के साथ साथ कफ सिरप तक की किल्लत चल रही है। जी हाँ, दवाइयों को नहीं मिलने की वजह से मरीजों को महंगी महंगी दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदार भी दवाइयों के लिए अस्पताल के बाहर दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, पहले तो मिलती थी, अब देनी है, 2 दवाई करें बाहर से लेना। अंदर से लिखी हुई हैं दवाई दे रहे हैं, वहाँ करें बाहर से लेना। बाहर से अब लेंगे जब पता चलेगा भैया कितनी महंगी पड़ेंगी। बाकी यही डब्बा अकेला दिया है तो बाहर से लो, यहाँ पे आधी दवाई आ रही है आधी नहीं आ रही। अब बताओ ये दवाई दी है सारी? कुछ नहीं है, यानी एक दवाई यहाँ से दे देंगे, 3 बार की है, नहीं ज़्यादा महंगे है तो, लेकिन हालत तो ख़राब है, काम धंधा है नहीं। हाँ, खांसी की सिर्फ मिल रही है, ये दे रहे हैं खांसी की सिर्फ। जैसे आपकी तो हमें भी 2 दवाई लिखे हैं, एक बाहर से मिले गोली और एक सिर्फ अंदर से मिला। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस ने बैटरी और मोबाइल की चोरी में शामिल ऑटो में सवार बदमाशों का पीछा करके उसे धर दबोचा। आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे, तभी बदमाशों पर ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ी और वहां तैनात हेड कांस्टेबल राकेश ने अपनी जान पर खेल कर दूर तक पीछा करके उसे पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से कई बैटरियां भी बरामद की हैं। आरोपियों ने खुलासा किया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए वे चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी राकेश कुमार को हल्की चोट भी आई है, उन्हें मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल भी भेजा गया है। चोरी से बोलते हैं, हाथ से बोलते हैं, हाथ से हाथ से तो क्यों गोली? इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन लगाते हैं नशे के लिए। हाँ जी सर। हमें पिस्टल किसने टांगी थी? पिस्टल नहीं है, चेक कर लिए, पिस्टल चला रहे जनाब, तो ऑटो में चोरी बैटरी करने आते हैं। तो पकड़ा किसने तुम्हें? जीटीबी अस्पताल में हर रोज बाइक चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी की अस्पताल से बाइक चोरी हो जाती है, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया है और एक व्यवस्था बनाई गई है कि बाइक लेकर अस्पताल में आने वाले लोगों को अपनी आरसी दिखानी होगी। जिनके पास आरसी होगी उन्हीं को अस्पताल के कैंपस में बाइक पार्क करने को दिया जाएगा। वहीं लौटते वक्त लोगों को गेट पर बाइक की आरसी दिखानी होगी। जो अपनी आरसी नहीं दिखा पाएगा उनके बारे में पुलिस को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा गेट नंबर 3 पर बने पार्किंग में भी पहुंचने वाले मरीजों और तीमारदारों को भी बाइक या स्कूटी की आरसी दिखाने के बाद ही पार्किंग की जगह दी जाएगी। गाड़ी जब हमारी मेन गेट पे होती है, जब हम उसकी एंट्री करते हैं, और जब गाड़ी हमारी एग्जिट होती है तो हम आरसी देख के उसे एग्जिट करवा देते हैं। अच्छा, इनकेस जैसे किसी पे आरसी नहीं है तो जैसे आपके सामने अभी प्रदूषण चेक कर लिया उन्होंने गाड़ी में से दिखाया, या फिर बहुत सी बार ऐसा होता है आजकल डिजिटल आरसी चल रही है मोबाइल में, वो उसे देख के भी हम गाड़ी जा। ये जब से कोरोना ज़्यादा पीक पे आया ना, जब से नहीं, पहले तो नहीं था ऐसा, लेकिन अभी आज ही मैं सुन रहा हूँ कि आरसी कर दी है इन्होंने, चेक करने का सिस्टम कर दिया है। पहले नहीं था ऐसा कुछ यहाँ पे, पहले तो कोई भी आता था गाड़ी ले जा रहा है, पता नहीं किसकी ले जा रहा है, कोई पता नहीं है, लेकिन अभी रेगुलर कर दिया इन्होंने, ऐसा सुनने में आ रहा है मुझे भी। नहीं बिल्कुल है, चोरी होने में फ़र्क पड़ेगा उससे, कोई किसी अंदर व्हीकल को कोई ले जा नहीं सकता ना किसी की। बिल्कुल सही है सर, ऐसे सारे फायदे हैं, नहीं खाली आरसी बस। जी बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। नहीं ऐसा क्या है, गाड़ी है अपना, गाड़ी खड़ी है अपने सही हिफाजत के साथ खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चोरी भी नहीं हो सकती इस तरीके से, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक रही, दूसरी वेव ने लोगों के घर तक उजाड़ दिए। अब देश पर तीसरी लहर का भी पीक आ चुका है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में ड्यूटी के दौरान जिन कोरोना वॉरियर्स की जान चली गई थी उनको अभी तक कोई भी सहायता राशि नहीं दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर्स के परिवार वाले दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ज्यादातर नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक अस्पताल से थे और साथ ही राजकुमार अग्रवाल की पत्नी कई बार सरकार से गुहार लगा चुकी हैं। आज उनको न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के सभी अस्पतालों में नर्सिंग और ऑफिसर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया और अपना विरोध भी जताया।
जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल शास्त्री पार्क में भी नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष टीकम यादव ने भी सभी ऑफिसर्स के साथ विरोध किया है। सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स जो कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव में शहीद हुए थे, उनको अभी तक जो सरकार ने 1 करोड़ की राशि घोषित की थी वो अभी तक नहीं मिली है। उनके परिवार के लोग सरकार कर अधिकारियों के दर दर पर ठोकर खाने को मजबूर हैं। उन्होंने अपना इतना बड़ा बलिदान दिया, सरकार ने इतने बड़े बड़े वादे किए, ऐड किए, लेकिन आखिर मिला क्या? जो कोरोना वॉरियर्स, इतने बड़े सम्मान हमें दिए गए, फूलों की वर्षा की गई, थाली तालियां बजाई गई हमारे लिए, तो उनके परिवार वालों को तो कम से कम सम्मान ना दें तो उनको मुआवजा तो दें। जो दिल्ली सरकार ने मुआवजा 1 करोड़ घोषित कर रखा था, कम से कम वो तो सबको मिलना चाहिए। उनके घर वालों की तो एक तो उनका सदस्य चला गया, ऊपर से जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा, उनके बच्चों का और परिवार का क्या होगा? इसमें किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सरकार को हम उनकी सरकार की जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन फॉर्मूला लगाया गया था, जो कि अभी भी लागू है। 27 जनवरी को DDMA की मीटिंग होगी, जिसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है। अब कोरोना के मामलों में काफी हद तक कमी आ रही है, तो पाबंदियां भी खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें DDMA की इस बार जो मीटिंग होगी उसमें ये उम्मीद है कि ये सभी पाबंदियां हटा दी जाएंगी और व्यापारियों के हित में ही इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। देखिए, हम तो यही मांग करना चाहते हैं कि व्यापारी काफी परेशान है, तो बाजार खुलना चाहिए ताकि जो बेरोजगारी हो रही है उससे थोड़ा सा लोगों को राहत मिले। केस भी काफ़ी कम हो चुके हैं, तो अब हमारी तरफ से तो यही मांग है कि बाजार खोल देना चाहिए और वीकेंड कर्फ्यू को भी अब हटा देना चाहिए। देखिए, व्यापारी सब तो यही चाहते हैं कि उनके हित में ही आए फैसला, क्योंकि जो दुकानें किराए पर हैं, जो स्टाफ है, वो सब यही चाहते हैं कि भी फटाफट से ये डिसीजन ले कि दुकानें रोज खुलें, उनका नुकसान ना हो, क्योंकि कोरोना से दोहरी मार पड़ी है लोगों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर। तो यही चाहते हैं कि अब दुकानें और ये जो सब मार्केट है जल्दी से जल्दी खोले और बंद ना हो। इतना केस काफ़ी घट रहे हैं, अभी हमने देखा था कि परसों जो केस थे वो लगभग 9,000 के करीब थे और कल जो केस थे वो लगभग 5,000 आ गए हैं, तो इतनी तेज़ी से केस घट रहे हैं। तो मेरा को पूरी उम्मीद है कि अब 1 फरवरी तक तो सभी कुछ खुल जाएगा, क्योंकि मैं भी फिटनेस सेंटर रन करता हूँ, फिटनेस सेंटर चलाता हूँ, तो फिटनेस सेंटर क्योंकि सबसे पहले बंद होते हैं और सबसे आखिरी में खोले जाते हैं, तो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है फिटनेस इंडस्ट्री, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है और व्यापार पे ओवरऑल सब व्यापार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है, तो खुल जाएंगे। 26 जनवरी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर मेट्रो पार्किंग को बंद कर दिया गया है, जिससे यहां आने वाले लोगों को गाड़ी पार्क करने में काफी परेशानी हो रही है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी गई है और साथ ही 2 दिन के लिए पार्किंग बंद कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ियों की पार्किंग बंद करने की बजाय सिक्योरिटी टाइट की जाए, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। 2 दिन के लिए 25 और 26 तारीख को बंद रहती है, आज से नहीं, शुरू से ही ये नियम है और 2 दिन के लिए बंद रहती है पार्किंग। और यहाँ पे कस्टमर तो आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन खोलते नहीं हैं, मने कर देते हैं, 2 दिन के लिए बंद है पार्किंग, उसके बाद 2 दिन के 25 तारीख के 2 बजे खुल जाएगी, उसके बाद लगेगी गाड़ी। बंद कर रखी है उन्होंने, बोला कि बंद आज, कहीं भी लगा दूंगा यहाँ पे, जहाँ जगह मिलेगी पार्क। यहाँ गाड़ी प्राइवेट नंबर होती है, 25 और 26 तक बंद है, 26 को 2 बजे के बाद लगेंगी गाड़ियाँ। यहाँ पे 50 से 60 गाड़ियाँ आती हैं, आज तो खाली है पार्किंग पूरी। वजह ये मैम, 26 जनवरी है तो है, यहाँ पे कोई मेट्रो के नीचे पार्किंग है ये, इसलिए खाली करा देते हैं। कुछ बताया नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। पीछे गया तो वो 60 रुपये लेने को रेडी है, ये शहीद नगर वाला जो है वो कह रहा है मुझे 60 रुपये आप दे दीजिए, आपकी बाइक हम खड़ी कर लेंगे। तो मैंने कहा भाई 60 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, तो हालांकि इस चीज़ को मैं चाहता भी नहीं कि इस तरह की एक्टिविटी हो, पता नहीं कैसा आदमी है, मेरी बाइक उठ जाए या कुछ हो जाए, तो इसलिए मैंने उसको दिया नहीं। मैंने सोचा दिलशाद में खड़ा कर लूँगा, यहाँ पर आया तो यहाँ भी मना कर रहे हैं, लेकिन किसी ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया। नहीं, प्रॉब्लम तो है ही मैडम, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए या पार्किंग अथॉरिटीज़ को चेक करना चाहिए कि भाई ये डे पार्किंग बंद नहीं होनी चाहिए। 26 जनवरी है, मतलब आप शाम को 6 बजे के बाद आप पार्किंग सील कर सकते हैं, लेकिन अब ये नए कानून बनते जा रहे हैं, रोज़ाना नई नई बातें आती जा रही हैं कि दिन में ऑफिस जाना है, किसी को काम पर जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, कहीं जाना है, तो वो नहीं जा सकता, मेट्रो का यूज़ नहीं करे। नाइट शाम के टाइम होना चाहिए ना, आपको पार्किंग सारी खाली करवाते हैं, जब 26 जनवरी का होता है तो ये तो रूल है, तो 26 जनवरी से 1 दिन पहले जो उनकी पार्किंग नाइट पार्किंग बंद होती है, तो बाकी डे पार्किंग तो होनी चाहिए, 4-5 बजे तक तो पार्किंग रखें।
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर के लोग भी ठिठुरन भरी ठंड से जूझ रहे हैं और ऐसे में सर्दियों में भी जो लोग सड़कों पर रहते हैं उन्हें ठंड से कोई दिक्कत ना हो उसके लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। जब हमारी संवाददाता ने शेल्टर होम पर जायजा लिया तो देखा कि शेल्टर होम में जो है सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ में ना तो खाने की व्यवस्था की गई है और ना ही कैमरा है, और जिन लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं है उन्हें भी शेल्टर होम में एंट्री भी नहीं दी जा रही है, जिससे कई लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। दिल्ली में रहते हुए साहब हमें हो गए 32-33 साल। अच्छा। उम्र 47 साल हो गए हमारी। पहले घर मकान था, बीवी बच्चे की तबीयत की वजह से यहाँ से भेज दिया था, फिर गांव चले गए, फिर अब आके लॉकडाउन के बाद में ही रिक्शा चला रहे और यही रह रहे हैं, यही सोते हैं फुटबॉल। ठंड तो लगती है, क्या करें, जैसे अपना गुजर वही सब आईडी पूरे मांगते हैं, सब चीज़ मांगते हैं, यहाँ का तो यहाँ का दिखाओ, जहाँ का वहाँ का दिखाओ, वहाँ का रखा था बैग सारे चोरी हो गए, यहाँ से सारे कपड़े लेते चोरी हो गए 4 दिन पहले, यहाँ से कुछ भी नहीं, एक कम्बल एक चादर में गुजारा करके यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ मेरा दूसरा महीना चल रहा है, मैं जयपुरी में रहता हूँ, मेरा काम है वाइट वॉश का, तो मेरा काम बंद पड़ा है, बच्चे मेरे 2 हैं, बच्चों ने साथ छोड़ रखा है, मैं यहीं रहता हूँ। मतलब घर आपका अपना है यहाँ पर? नहीं, किराया गया है, 2 लड़के हैं, छोटा गाड़ी चलाता है वो अलग है, बड़ा वाला अलग है, वही आधी रात को घर से निकाल देते हैं, मैं मजबूरी में यहाँ पड़ा हूँ। अरे उनको बस हमारे पास यही है, गद्दा है, कम्बल है, चद्दर है, ये सारी व्यवस्था, चाय वाय की व्यवस्था हो जाती है, खाने की व्यवस्था करवा देते हैं, अगर हो जाती है तो हो ही जाती, नहीं तो खाने की व्यवस्था करवाते नहीं है, अपना अपना खुद ही काम करते हैं, अपना काम करके आते हैं, अपना खाते हैं। यहाँ पे जिनका घर नहीं होता, जिनका कोई रहने का सहारा नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं वो लोग। यहाँ पे ये यहाँ पे लेडीज़ें रहती है और बच्चे रहते हैं, लड़के सिर्फ 10 साल से नीचे ही अलाव है, इसके ऊपर नहीं है, बाकी सारी वुमेन्स है और बच्चे नहीं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, लेडीज़ तो अच्छी आती हैं और 2-4 दिन रहती हैं, चली जाती हैं। यहाँ पर फिलहाल 2 लेडीज़ हैं और बच्चे हैं। सर्दियों के समय में 15-20 के करीब आ जाते हैं, अब कुछ लोग कम हो गए ठंड के कारण कि लॉकडाउन ना लग जाए, तो इसलिए लोग अपने घर चले गए हैं, कुछ लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे 10-12-15 लोग सो रहे हैं। रात के समय क्या कहते हैं, लोग बढ़ जाते हैं और डेली वाले भी आ रहे हैं और लोग बढ़ भी जाते हैं रात के टाइम। गांधीनगर में पीएनजी शुरू करने का काम काफी समय से लटका हुआ था, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के दखल देने के बाद से पीएनजी की लाइन डालने और लाइन घरों में कनेक्शन का काम शुरू हो पाया है। आपको बता दें कि विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि 1 अप्रैल से कनेक्शन शुरू हो जाएंगे और जहां लाइन नहीं डाली गई है वहां पर लाइन डाली जाएगी। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इससे हमें काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि महंगाई है और गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं, और ऐसे में लाइन बिछाई गई, अब कनेक्शन भी जल्द शुरू होगा तो काफी अच्छा रहेगा। कनेक्शन जो है 1 अप्रैल से ये 100% शुरू हो जाएंगे। उनमें से सबसे पहले जो गैस कनेक्शन शुरू होगा वो आपको ईस्ट आजाद नगर वालों को सुविधा मिलेगी, और इसमें हमने ये भी किया है कि जैसे हम इसमें केवल एक कैंसिल चेक ले रहे हैं और उसका बिल ले रहे हैं, कोई प्रूफ ले रहे हैं, और अगर वो आदमी इकट्ठे 7200 रुपये नहीं दे सकता है तो 225 रुपये महीने भी देकर वो दे सकता है, ये भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। फ़ायदा तो है ही, जब मर्जी गैस ख़त्म हो जाती है उसके लिए रहता था, परेशानी रहती थी सिलेंडर वगैरह बुक, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑल एरियाज़ में तो स्टार्ट भी हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत थी कि नहीं हुआ था, लेकिन अब वो भी हो गया है। ये फ़ायदा तो ये है कि देखो, जैसे बताया सारिका जी ने कि सिलेंडर इतना महंगा हो चुका हुआ है, और गैस पाइपलाइन में गैस इससे सस्ती भी पड़ेगी। इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ है कि जो हमें जो सिलेंडर से, तो एक तो राहत मिल जाएगी, और हमारी लाइन के अंदर सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम यहाँ थी कि यहाँ पाइपलाइन और इसका बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक हैं अनिल वाजपेयी जी, इन्होंने बहुत कोशिश करी और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी का, ये उनके पास गए और उन्होंने इमीडिएट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।